सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले लिए गए फैसलों पर एक नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दों पर फैसला लेने का समय अपने रिटायरमेंट के नज़दीक चुना है। एक ऐसा ही मुद्दा है मदरसों की मान्यता और उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बीच उठा विवाद। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों के कानून के वैधता पर सवाल उठाए गए थे। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इसे अपने संज्ञान में ले लिया है। इसका मतलब है कि ये मामला अब उनके फैसले का इंतज़ार कर रहा है जो कि उनके रिटायरमेंट से पहले आ सकता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये फैसला जल्दबाजी में लिया जा रहा है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने की कोशिश है या फिर वाकई इसमें संवैधानिक हित छिपे हुए हैं। NCPCR जो कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली एक सरकारी संस्था है, उसने 7 और 25 जून को 2 मुख्य निर्देश जारी किए। पहले निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जाए और उसमें गैर मुस्लिम छात्रों को भी औपचारिक शिक्षा देने वाले स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए कहा गया। दूसरे निर्देश में केंद्र सरकार ने अनुरोध किया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों का निरीक्षण किया जाए और जो मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करते उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। अब अगर हम इस मुद्दे को CJI चंद्रचूड़ के दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला सिर्फ एक शिक्षा और अधिकारों का मुद्दा नहीं है बल्कि इसमें संविधान की धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों को अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये मुद्दा न्यायालय और राजनीति के बीच संतुलन साधने का भी है जिसमें मुख्य न्यायाधीश को एक ठोस फैसला लेना होगा। इस पूरे मामले पर अगर हम CJI चंद्रचूड़ की दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो ये सवाल उठता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपना ध्यान क्यों दिया और वह भी अपने रिटायरमेंट के नज़दीक। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसमें कुछ और छिपा हुआ है? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हाल के दिनों में भाजपा सरकार के एजेंडे में मदरसों पर सख्ती दिखाना प्रमुख रहा है। भाजपा के कई नेताओं ने बार बार मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठाए हैं और इसे एक राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी शिक्षा के रूप में पेश किया गया है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद मदरसों के मुद्दे पर फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं तो ये शक लाजमी है कि कहीं ये भी भाजपा के एजेंडे का ही हिस्सा तो नहीं। क्या चंद्रचूड़ साहब अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे फैसले लेकर भाजपा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर फैसले लिए हैं। उनका कद न्यायपालिका में बेहद ऊंचा है और उन्हें एक निडर और निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के नज़दीक आते ही मदरसों जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या वे अपनी न्यायिक विरासत को बचाने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उन्हें इतिहास में एक धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में दर्ज करेंगे, या फिर उन पर भाजपा का दबाव है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मदरसों पर कड़ा रुख अपनाना चाहती है? भारत में मदरसों की भूमिका सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। कई मदरसों गरीब और पिछड़े समुदाय के लिए औपचारिक शिक्षा का भी एकमात्र जरिया है। इनमें पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मुस्लिम समुदाय से होते हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर होते हैं। ऐसे में गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसों में दाखिला देने का विचार एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। क्या गैर मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ने के लिए तैयार होंगे? क्या ये कदम अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला सिर्फ एक संवैधानिक मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई गुप्त
राजनीतिक मंशा छुपी हुई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हर बच्चे को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन कई मदरसे इस कानून के दायरे में नहीं आते। उनकी शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां अलग होती हैं, जो औपचारिक शिक्षा से मेल नहीं खाती। ऐसे में NCPCR का निर्देश कि जो मदरसे इस कानून का पालन नहीं करते उनकी मान्यता रद्द की जाए, एक बड़े विवाद का कारण बन सकता है। मदरसों को केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं माना जा सकता, उनकी ऐतिहासिक भूमिका और समाज में उनका स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बांधना क्या सही होगा, और अगर ऐसा किया गया तो क्या ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? इस मुद्दे पर चंद्रचूड़ का फैसला आने वाला समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह मदरसों की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, या फिर वह NCPCR और भाजपा सरकार के एजेंडे के अनुसार फैसला लेंगे। एक तरफ वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का दावा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वह अपने रिटायरमेंट से पहले सत्ता के दबाव में आकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो उनकी न्यायिक विरासत पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर चंद्रचूड़ का फैसला आने वाला समय में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह मदरसों की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, या फिर वह NCPCR और भाजपा सरकार के एजेंडे के अनुसार फैसला लेंगे। एक तरफ वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ वह अपने रिटायरमेंट से पहले सत्ता के दबाव में आकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो उनकी न्यायिक विरासत पर सवाल उठाए। ये देखना बाकी है कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ मदरसों के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, या फिर उनके फैसले को एक राजनीतिक चाल के रूप में देखा जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।